देखो कितना महंगा शैम्पू है, ये देखो भाई, ये देखो कैसा निकल गया ना। ये इसका रिजल्ट दिखाऊंगा मैं आपको, कितनी साइन मारेगी। वो तीन डब्बे मैंने खाली कर दिए, और मारना पहले ऊपर ऊपर मारना बॉडी बॉडी को। गाइस अब है भाई रिजल्ट, भाई आपको दिखाने का कि भाई जो मेहनत करी हमने कितनी रंग लेके आई है। सो गाइस ये है भाई अपने बाबू, और अभी हो रखी भाई पूरी गंदी। तो ये देखो भाई एंड टायर वायर में देखो भाई धूल कितनी लग रखी है, एंड यहाँ पर भी देखो पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा है पूरा। ये देखो अंदर की तरफ भी भयंकर तरीके से ना बहुत ज्यादा डस्ट हो रखा है भाई यहाँ पर इस गाड़ी में। मतलब काफी चला लिया मैंने, तीन चार दिन कंटिन्यू मैंने चला लिया, मार्केट में ले गया तो इतनी गंदी हो रखी है, एंड फेड फेड सा हो रहा है। यानी कि भाई इसकी मांग रही है भाई वॉशिंग मांग रही है। तो आज भाई वॉशिंग पे ही वीडियो बनाने वाला हूँ मैं आप लोगों के लिए। हेलो एवरीवन गाइस, कैसे आप लोग सब, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड गाइस आप लोग भी ना जो है ना अपनी गाड़ी ना घर पे खुद जैसे सर्विसिंग शोरूम से निकलती है ना गाड़ी, उस टाइप से कर सकते हो। और उसके लिए क्या क्या चाहिए भैया मैं आपको बता दूँ कि बाहर जाओ धुलाने जाओगे तो कम से कम 100-150-200 रुपये लगते हैं भाई बाइक धुलाने के। बात तो सही है। तो भाई अभी देखना मैं गाड़ी को चमका दूंगा भाई, इसको देखो कितनी गंदी लग रही है अभी पूरी यहाँ से। एंड भाई पॉलिश वॉलिश कौन सी मारनी चाहिए मेरे पास, कौन सी है मैं भी आपको दिखाऊंगा। और बहुत से लोग मुझे पूछते हैं गाइस मार्केट में कि भाई आपकी गाड़ी बहुत चमकती है, तो भाई राज क्या है भाई, मैं राज यही है भैया कि मैं गाड़ी को बना बड़े प्यार से रखता हूँ भाई। दिख रही है, ये है भाई सानवी, और सानवी भी थोड़ा हेल्प करेगी भाई मेरी, ठीक है ना सानवी, है ना। तो गाइस अभी मैंने पाइप लगा दिया, तो पहले तो उसको वॉश कर लेते हैं। एंड ये भी मैंने धोकर रखे, देखो पत्ते पत्ते गिर गए क्योंकि गर्मी आ गई ना आजकल, वो अच्छे से धोने स्टार्ट कर दें, ठीक है ओके। तो गाइस यार हेल्प करने के लिए सेजल और सानवी भी दोनों आ गए हैं। तो अभी सेजल जो है ना पहले पानी से, भाई देखो भाई पानी से धोना है, पानी से ऐसे नहीं स्टेप से धोना, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके मारो पानी इसमें, ऐसे करके मारो। एंड इसमें से कपड़ा निकाल देता हूँ पहले, तो भाई इस कपड़े से ही भाई, ये देखो कपड़ा बहुत स्मूथ वाला कपड़ा है, तो इस टाइप का कपड़ा आपने रखना है भाई अपने जी। मैं आपको भी धोना है, और नाराज क्यों हो रहे, आप भी धो लेना भाई, आपकी बाबू है। इसको भी दे दो भाई थोड़ा सा हाथ मारने, दे दो दे दो दे दो। इंजन ऑयल ही डालना है साहब, गाड़ी धोनी है। भैया कितने रुपए लेते हो सर्विसिंग के? हेलो भैया कितने रुपए है? 300 लाख हजार। अरे एक दो या मिनट में वैसे मारता मारता सूख जाता है, उसके बाद में पानी मार देना भाई इस तरीके से। आपको लग गया ऐसा ये जावा झाग निकलता है मेरा इसमें, क्योंकि ना ब्रांडेड शैम्पू है इसलिए यार, वरना 1-2 रुपये वाला नहीं है, सनसिल्क वाला नहीं है भैया, जिससे भाई सनसिल्क हो गया इस टाइप के नहीं है भाई, जिससे भाई पूरा वो सस्ती क्वालिटी का। ये भाई अपनी बाबू है भाई, इसको महंगा वाला शैम्पू चाहिए भैया। तो गाइस अभी पानी से मैंने और शैम्पू से धो दिए भाई बाइक अपनी पूरी नीट एंड क्लीन कर दिए। हैंड अभी जरा धूप में ना थोड़ी देर सुखाने रखते हैं, फिर उसके बाद दिखाते हैं भाई हमें इसमें क्या मारने वाला और कैसे चमकने वाली। वैसे भाई इतनी काफ़ी चमक गई है, शैम्पू से भी काफ़ी शाइन आ जाती है वैसे अपनी गाड़ियों में, बट ये है कि फाइनल रिजल्ट जो है आपको अभी थोड़ी देर में देखने को मिलेगा। तो गाइस जब तक हमारी गाड़ी सूख रही है तो हम लोग खा रहे हैं मैगी। तो यहाँ पर सेजल भी बैठी हुई है, ये सानवी बैठी हुई है, इसने चूड़ी पहन रखी है, एंड ये है भाई मेरी मैगी। तो मैगी खाते हैं, इसके बाद आपको मिलते हैं। A few moments later. गाड़ी पूरी सूख चुकी है अपनी बाइक, एंड यहाँ पर देखो मैं पॉलिश कौन सी वाली इस्तेमाल करता हूँ भाई, ये वाली इस्तेमाल करता हूँ, एंड मैंने पहले और भी कर रखे पॉलिश इस्तेमाल, पहले मैंने ये वाली पॉलिश यूज करी थी गाइस। ये है आपका सनशाइन का है भाई,
ये देख लो, एंड सब जगह होता है भाई ये, कार वार बाइक वाइक फ्रिज व्रिज सोफा साफा। और ये मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ भैया, मैं खाली बस मैं अपने लिए आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप गाड़ी वाड़ी धो सकते हो। देखो तो 3 डब्बे मैंने खाली कर दिए, और भी करें वो तो फेंक दिए, बाकी ये है बच्चे हुए थे। एंड अभी करने वाला हूँ मैं ये, और अभी मेरी गाड़ी देखो सूख गई है, इसका रिजल्ट दिखाऊंगा मैं आपको कितनी साइन मारेगी। ये बॉटल है भाई, इसको देख लो, स्क्रीन शॉट कर लेना, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। वैसे देखो MRP देख रहा होगा मैं आपको, 519 दिख रहा है ना, ये 519 का है, पर ये MRP पे मत जाना गाइस, कहीं से भी शॉप से लोगे तो मेरे को पड़ा था भाई 120 का, तो 120 रुपये का मुझे पड़ा था। और देख लो कहाँ भाई 519 लिख रखा है इसमें ना, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और इस तरीके से निकाल देना, देखो ये पॉलिश को इस तरह से निकाल देना, और पहले हमेशा बॉडी में अगर कभी भी पॉलिश मारोगे तो गाइस पहले ऊपर की तरफ से मारना, बॉडी पे मारना पहले ऊपर ऊपर बॉडी पे, क्योंकि ना बट्टी वट्टी जो होती है ना भाई फिर वो नीचे की तरफ होती है तो थोड़ा सा दिक्कत है। पहले इसमें मारो प्लास्टिक वाले पार्ट से मारो अपने, अगर आप पे ऐसे R15 है या इस टाइप की कोई भी जेड एक्सटेंडर आ रहा, कोई भी बाइक हो XYZ उस पर आप मार सकते हो। जैसे पहले हेड पे हो गया ऐसे से मार देना, दिखाना। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइज। तो गाइज पूरी गाड़ी की बॉडी में लग गई है, अब टायरों में लगेंगे भाई, टायरों में जो है ना भाई टायरों में भी स्पंज से ही मारना है पॉलिश। देखना टायर देखो अभी देखना, उसके बाद देखना भाई क्या मस्त साइन आने वाली। दोनों टायर देख लो भाई, दोनों टायर को देख लो, आगे पीछे दोनों तरफ मारने वाला हूँ मैं। तो गाइज अब है भाई रिजल्ट, भाई आपको दिखाने का कि भाई जो मेहनत करी हमने कितनी रंग लेके आई है, एंड आप लोग भी मेहनत करना तो आप लोग की मेहनत भी जरूर रंग लेके आएगी। तो गाइज ये है देखो भाई अपनी बाइक, एंड देखो भाई साइन देखना आप गाइज खुद ही बताना कॉमेंट करके कितनी साइन आई पहले में और अब में कितना अंतर है। ये देखो ये पूरा यहाँ पर सब जगह मैंने पॉलिश मार दिया, देखो टैंक पे देखो कितनी शाइनिंग आ रही है ना, ये देखो ये अलग देखो इस टाइप से पता चल जाएगा आपको ये शाइनिंग। देखो पॉलिश से देखो ये पूरा ब्लैक हो गया, देखो पूरा मतलब थोड़ा सा फेड सा हो जाता है ना बिना पॉलिश के। एंड पीछे का ये देखो पूरा हिस्सा, ये पूरा देखो पॉलिश से कितना, तो पॉलिश से ना यार गाड़ी अलग ही चमकती है। एंड ये देखो टायर देखो भाई इसके, ये देखो भाई पूरे में ऐसे टायर में पूरे में स्पंज से मार देना पूरे में, और साइलेंसर वाइलेंसर सब जगह मार दे मैंने, यहाँ यहाँ तक अंदर तक मार दिया। देखो ब्लैक हो गया पूरा, देख रहे हो ये ब्लैक हो गया, यहाँ थोड़ा सा हाथ जा नहीं पाया लेकिन, बट ये देखो इसको देखो पूरा वो सफ़ेद हो रखा था क्यों मट्टी मट्टी लग जाती है ना। तो गाइज यार ये था भाई कुछ अपनी बाइक का भाई, जिसकी वजह से जैसे मैं रखता हूँ नीट एंड क्लीन। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं जब भी मैं लेके जाता हूँ बाइक ना, कई लोग मुझे पूछते हैं कि भाई आप ऐसा क्या करते हो, क्या डेली सर्विस करा के लेके आते हो? नहीं भाई डेली सर्विस नहीं होती भाई गाड़ी की, गाड़ी की होती घर में वॉशिंग भाई अपने पास से ही, तो पानी से वॉशिंग करके उसके बाद शैम्पू वगैरह मारना, और ऐसे पॉलिश का डब्बा आप लेना तो मार्केट में जाके तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो यार वीडियो कैसी लगी आपको, आई होप आप लोगों को थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ होगा गाड़ी को ऐसे नीट एंड क्लीन रखना, क्योंकि हम इसको चलाते हैं तो भाई हमारा ही फर्ज बनता है भाई अपनी बाइक को ठीक रखने का। तो गाइज इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गाइज। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो मेरे दून बॉय में तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।